नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। मझगवा से सटे हुए गांव बहादुरपुर को भी किया गया सैनिटाइज। स्वास्थ्य टीम के द्वारा चिन्हित लोगों के लिए गए सैंपल कनौज रिपोर्ट। धर्मेंद्र सिंह थाना क्षेत्र के ग्राम मझगवा में कल निकले कोरोना पॉजिटिव युवक से गाँव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं प्रशासन के द्वारा गांव की गलियों को एवं ग्रामीणों के बने घर के दरवाजे और खिड़कियों को फायर ब्रिगेड गाड़ियों के द्वारा सैनिटाइज किया गया। वहीं गांव से सटे हुए बहादुरपुर की गलियां और ग्रामीणों के घर को भी सैनिटाइज किया गया, लेकिन वहीं मझगवा गांव की गलियों को बैरिकेडिंग कराया गया एवं गाँव में ही सब्जी और राशन देने के लिए लोगों को चिन्हित कर होम डिलीवरी की प्रक्रिया चालू कराई गई एवं स्वास्थ्य टीम के द्वारा चिन्हित किए गए लोगों के सैंपल भी लिए गए। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है और वहीं रोड पर कई दुकानें कारखाने तथा आड़त की भी दुकानें संचालित हैं और जहां दोनों गांव के अलावा आसपास क्षेत्र के लोग सामान खरीदने आते हैं एवं वहीं कुछ इस गांव के ग्रामीण आस पास के गांव में जाते हुए देखे गए और पास में लगे हुए कस्बा सौरिख में भी कुछ ग्रामीणों को खरीदारी करते हुए देखा गया, जिसके कारण अन्य लोगों में भी दहशत का माहौल है। आखिर क्यों हॉटस्पॉट के नाम पर किया जा रहा है मजाक? क्योंकि शासन व प्रशासन की पूर्णता सख्ती न होने के कारण गाँव के कुछ लोग चोरी छिपे कस्बे और अन्य गांवों में खरीदारी करते हुए दिखे गए हैं। वहीं स्वास्थ्य टीम में प्रभारी पंकज वर्मा एवं नेत्र परीक्षण अधिकारी सुनील भारती और स्टाफ नर्स अनुज कुमार एवं लेखपाल राजेंद्र सिंह मौजूद रहे। डॉक्टर पंकज वर्मा ने बताया कोरोना पॉजिटिव युवक विजय के संपर्क में आने वाले अभी गाँव के 5 लोगों को सैंपल इनके लिए भेजा गया है और वहीं पास के गाँव कतघरा में 2 युवकों में नाई और नाई के संपर्क में आए युवक को भी सैंपल इनके लिए भेजा गया है और अभी भी संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। टोटल अभी 7 लोगों को सैंपलिंग के लिए भेजा गया है।